रहम्न रहीकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों का यूनिट एड जो है सिविक सेंस एंड सिविक एक्टिविटीज ये मैंने आज सॉल्व किया रहता था तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो यूनिट एड के प्री रीडिंग क्वेश्चन हाउ ऑफन डू वी हेर अबाउट फोटल इन विच पीपल डाइव मोर देन थ्री टू फोर फॉटल रोड एक्सीडेंट्स ऑन एवरी सेकेंड डे ठीक है न हर दूसरे दिन हैव यू हेट और रीड अबाउट फॉटल एक्सीडेंट्स रिसेंटली फॉटल एक्सीडेंट्स मीन फैटल एक्सीडेंट्स मीन मौत मार जिसमें लोग मर जाते हैं आज साउथ में यस टू डेज बिफोर आई ऑन टेलीविजन अ वेडिंग बस डिप्ट इन टू द वाटर एट लीस्ट फिफ्टीन पीपल लॉस देयर लाइव ठीक है दो दिन पहले एक वेडिंग बस जो है वाटर में डूब जाती है रिवर में एक्सीडेंट होता है रिवर में डूब जाती है तकरीबन पंद्रह लोग जिंदगी गुजार मतलब गंवा देते हैं हाउ कैन पीपल प्रोटेक्ट देयर लाइव एंड लिम्स वाइल बाइक अर ट्रेवलिंग इन अ कार जो अपने जिसम के मतलब ऑर्गन हैं वो कैसे लोग बचा सकते हैं जब बाइक पर कार या कार पर ट्रैवलिंग करते हैं सीट बेल्ट पीपल कैन प्रोटेक्ट देयर लाइव एंड लिम्स बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स वाइल बाइक आर ट्रेवलिंग अ कार ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए या सीट बेल्ट और हेलमेट uh, पहन के ये भी मतलब एक तरीका है तो स्टार्ट करते हैं इसकी यूनिट एट पॉइंट वन सेफ्टी मेजर्स डेट कैन सेव यूर लाइफ एक्सरसाइज वन जो है यह कुछ एम सी क्यूज टाइप क्वेश्चन हैं तो मैं आप लोगों को द टेक्स्ट इज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सट किसके बारे में है हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट के बारे में है अमंग अदर थिंग्स हेलमेट्स कैन सेव अस फ्राम हेड इंजरी वेयरिंग आर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन बी द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ठीक है तो ये ब्लू वाले करेक्ट हैं ये प्री रीडिंग का जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने अपने तरीके से बताया विदाउट पढ़े हुए ठीक है तो पढ़ के बताएंगे तो हेलमेट और सेड सीट बेल्ट भी है अच्छा वर्ड्स मीनिंग बॉक्सेस हैं एक से लेकर सिक्स तक बॉक्सेस जो हैं उनके आंसर कौन से सही हैं स्टार्ट कर अच्छा उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर टू वर्ड्स मीनिंग है ठीक है <coughs> अच्छा वर्ड्स मीनिंग जो है ये मैंने सीरीज़ में लिख लिए हैं पहले ही ऑलरेडी पहले सीरीज़ में लिख लिए हैं ये इनकी वर्ड्स है अच्छा यहाँ पे मैंने आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है बुक में सी में और ये भी मैंने आंसर लिख लिए हैं वन का डी टू का आई थ्री का एफ फोर का ए फाइव का जे सिक्स का एच सेवन का ए डी एंड सॉरी इसको आप ना देखें तो ठीक है आप इसमें मीनिंग देख सकते हैं फैटल मीन कॉजिंग डे मेजर मीन स्टेप्स और एक्शंस टेकिंग फॉर परपज क्रूशल मीन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी मीन एडिशनल थिंग्स प्लेन मीन अ पैसेंजर आन अ मोटर बाइक प्रोपोर्शनेटली मीन वेन कंपेयर इन नंबर वलनरेबल मीन सेवन का सी है सॉरी डी मैंने गलती लिखा है गलती से सी है सेवन का फैसिंग पॉसिबल हार्म, एट मीन इंडलजिंग मीन डूइंग समथिंग फॉर प्लेजर डिसरिगार्डिंग मीन नॉट पेइंग अटेंशन टू एंड अन टोवर्ड मीन अनएक्सपेक्टेड ठीक है अब उसको ए ओर एफ इसमें दो पार्ट हैं एक में वन टू सिक्स है और दूसरे में ए टू एफ है मतलब पैराग्राफ वाइज ऑप्शन चॉइस एम कम्बरसम समथिंग क्लियर बट क्लियरली स्टेटेड समथिंग क्लियर बट ना नॉट क्लियरली एक्सटेस्टेड सॉरी टफ मीन डिफिकल्ट एंकोड फर्मली हेल्ड इन प्लेस स्किडिंग मीन स्लाइडिंग एम्प्लीकेशन और एमिटेशन की मीनिंग मैंने नहीं लिखी है ठीक है इनवेंसिबल टोटली सिक्योर और सेफ सेफ गॉड प्रोटेक्ट्स एक्सपोजिंग पुटिंग एट रिस्क जो दो रहते हैं वो इनकी मीनिंग्स होंगी मुझे दोनों थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए थे इस वजह से अच्छा वैसे इमिटेशन नकल करना समझ में आए थे लेकिन मिस हो गए मुझसे सॉरी एक्सरसाइज नंबर थ्री अच्छा ये टाइटल है और बॉक्स नंबर कौन से है मतलब किस पैराग्राफ का ये टाइटल है अवॉइडिंग हेड इंजरीज बॉक्स नंबर टू डज वेयरिंग अ सीट बेल्ट गारंटीड नो तो हार्म ई ई लिखा हुआ है आप लोग बुक खोलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा एट एक, एक से लेकर वन से लेकर फाइव तक है और ओ सिक्स तक है सॉरी फिर ए से लेकर आप लोगों के ई तक हैं ठीक है ओ तो एफ तक हैं अच्छा हेलमेट समरी समरी सिक्स में बताई गई है ब्रेक्स फॉर सेविंग यूर बॉडी बी में है सीट बेल्ट के बारे में समरी जो है एफ़ में है फन एंड इन मोटर बाइक राइडिंग वन में है कम्फर्ट और हार्म वाट इज़ बेटर चॉइस ए में है चैलेंज इज वॉइस अगेंस्ट वेयरिंग हेलमेट्स फोर में है इज वियरिंग अ सीट बेल्ट एन ऑप्शन सी में है वाई वेयर हेलमेट थ्री में है कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी डी में है हेलमेट्स एंड आई प्रोटेक्शन फाइव में है ठीक है तो अब आप लोगों के कुछ एम सी यूज हैं देख लें सॉरी सर्किल द राइट ऑप्शन सर्किल करना है मैंने टिक लगाया है सर्किल में दायरा बनाना है सर्किल टू टू डेज़ डेट इफ अंडरटेक बाय पीपल कैन प्रोटेक्ट मेजर्स, बोथ राइडर्स एंड राइडर एंड डैश राइडर्स वेयर हेलमेट्स, ट्रेवलर्स सॉरी पिलियन नो ट्रेवलर्स अच्छा सॉरी पिलियन राइडर्स ये पिलियन राइडर्स मीन पीछे जो बैठा होता है सॉरी अच्छा उसके बाद है नॉट वेयरिंग अलमेट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सेवन इंजरीज नंबर फोर Bed injury in motorbike accident can lead to permanent disability. Those not wearing helmets days times more likely to suffer from head injury three times. Wearing a seatbelt is like a choose like choosing between life and death. Aja, last hai, fast no, sorry, seven hai, fastening your seatbelt can save you from getting thrown out. Putting on your seatbelt requires a little effort. इफ़ यू वेयर सीट बेल्ट यू विल मोस्टली बाई बी सेव अचा एवरी टाइम यू गॉट गेट इन टू यूर कार यू मेक अ चॉइस ठीक है ये आंसर है इसका से करेक्ट नंबर फाइव पे आ जाए क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें ठीक है तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स वॉट टू इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल्स दो सेफ्टी मेजर्स कौन से हैं जो पीपल को सेव कर सकते हैं द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल्स वेयरिंग अलमेट

नॉट वेयरिंग अलमेट कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ बाइक राइडर एंड इज़ फैमिली फॉर एवर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपकी ज़िंदगी भी खतरे में है आपकी फैमिली uh, की जिंदगी भी चेंज हो जाएगी इट इज़ बिकॉज हेलमेट इज़ अ सेफ्टी गेयर विच सेव्ज़ यू फ्राम हैड इंजरी इन क्यों हेलमेट पहनने से आपको सर की इंजरी नहीं होती है वन डज़ नॉट वेयर हेलमेट वन कैन गेट हेन्ज हेड इंजरी अगर हेलमेट नहीं पियेंगे पाए पहनेंगे तो आपको सेफ़ हेड इंजरी हो सकती है अच्छा सर में जो दर्द न, मतलब इंजरी uh, होती है तो लोग या तो पागल हो जाता है या सुन हो जाता है बंदा या मर जाता है ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी काज परमानेंट डिसेबिलिटी आप डिसेबल भी हो सकते हैं वो द विक्टम एंड हिज फैमिली विल बी इन ट्रबल होल लाइफ अब डिसेबल होंगे तो आप लोग दूसरों के आधार पे जिएंगे अपनी फैमिली के सहारे जिएंगे वो भी परेशान आप भी परेशान फिर पूरी ज़िंदगी वाट हैपन्स वेन अ कार स्टॉप सडनली एक कार जब अचानक रुक जाती है तो क्या होता है वैन अ कार स्टॉप सडनली स्टॉप्स आएगा सॉरी सडनली द पर्सन द एक मरतबा है द पर्सन विदाउट सीट बेल्ट इन इट विल लॉट बी एबल टू कंट्रोल द मूमेंट ऑफ इजर बॉडी जब कार अचानक रुक जाती है जो कार में पर्सन बैठा होता है वो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता ही शी विल बी सीरियसली इंजर्ड वो सख्त बीमार पड़ जाता है सो अ सीट बेल्ट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी हाउ इज़ द क्लिक ऑफ़ सीट बेल्ट बटन ऑन एन इंश्योरेंस सीट बेल्ट सेव्स लाइव एंड दैट इज फैक्ट द क्लिक ऑफ़ सीट बेल्ट इज़ इंश्योरेंस दैट सेव गॉड्स यू सेफ्टी एंड सर्वाइवल्स सीट बेल्ट को क्लिक करेंगे बंद बांधेंगे मतलब तो ये आपकी इंश्योरेंस है मतलब आपकी ज़िंदगी की इंश्योरेंस है ठीक है और आप जिंदा रहने जी एक्सरसाइज नंबर है बी से ठीक है 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 मैंने मैंने में लिख 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 दिए हैं देखो आ, ये देखो ये पहले का है। आंसर भी लिख दिया द राइडर दूसरे का एफ है ये मैंने लिख भी लिया है दूसरे का एफ विंड सन रेज एंड डस्ट पार्टिकल विजन विजन लीडिंग टू प्रॉब्लम्स थ्री का जो है वो डी है ठीक है फोर का जो है वो एच है ये मैंने लिख भी लिया है दोनों सही है दोनों आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को सही लग जाएगा फाइव का है ए uh, सिक्स का जे सेवन का नॉट अ वेयरिंग सीट बेल्ट कैन लीड टू हाई मेडिकल एक्सपेंसिस ड्यू टू इंजरीज जी एट का सी नाइन का ई e. टेन का जो है बी है ब्रेकिंग द लॉ बाय नॉट वेयरिंग टू सीट बेल्ट यू कैन एंड अ पेइंग अ फाइन एक्सरसाइज नंबर सेवन है आप लोगों को इनके रीजंस लिखने हैं भाई रीजंस व्हाई पीपल शुड वेयर हेलमेट्स हेलमेट्स लोग क्यों पहने अच्छा पीपल शुड वेयर हेलमेट्स इन ऑर्डर टू सेव फ्राम हेड इंजरीज वन शुड वेयर हेलमेट्स इन ऑर्डर टू सेव वन सेल्फ फ्राम द डस्ट पार्टिकल्स सन रेज एंड रफ वो वेयर हेलमेट इज ऑल्सो एस्टिक ट्रैफिक रूल्स वन शुड वेयर इट टू सेव द मनी ऑफ फाइन बाई ट्रैफिक पुलिस रीजन्स वाई पीपल डोंट वेयर हेलमेट्स द रडर्स डोंट वेयर हेलमेट बिकॉज ऑफ हीट क्रिएटेड आफ्टर इट्स द राइडर्स फील अनकम्फर्टेड बाई वेयरिंग हेलमेट्स इट ऑल्सो बिकम्स द कॉज ऑफ़ स्वेटिंग अच्छा उसके बाद है सीट बेल्ट यह रीज़न सीट बेल्ट क्यों लोग पहने कार ट्रेवलर वेयर सीट बेल्ट कंट्रोल हिज मूवमेंट वाइल ड्राइविंग ड्राइविंग के वक्त अपनी मूवमेंट को कंट्रोल रखे इट कैन ऑल्सो सेव यूर सेल्फ फ्राम स्कीडिंग द कार कार से आगे मतलब आगे वाले दरवाजे से आप लोग निकल से मतलब ब्रेक लगाते हैं तो अचानक है आप आगे वाले दरवाजे से जो निकल जाते हैं तो उससे बच सकते हैं आप लोग इट कैन आल्सो सेव यू फ्रॉम सीरियस इंजरीज क्यों मतलब नहीं पहने सीट बेल्ट द ट्रेवलर्स डोंट वेयर सीट बेल्ट एज दे कैन चेंज देयर सीट ईजीली वो सीट एक दूसरे को चेंज करते हैं दे फील अनकम्फर्टेड वाइल वेयरिंग अ सीट बेल्ट कुछ लोग जो है अनकम्फर्ट फील करते हैं दे थिंक इट इफेक्ट्स ऑन द स्टाइल एंड ड्रेस ऑफ द ट्रेवलर्स और स्टाइल और ड्रेस पे भी असरअंदाज होता है तो बाकी एट एक्सरसाइज वो क्लास वर्क है ठीक है क्लास का काम है उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो है हमारा जो कॉम्प्रेंशन वाला पोर्शन कम्प्लीट हो गया मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और ग्रामर की भी तकरीबन वीडियो अपलोड कर दी है एक रहती है वो मैं कर दूँगा कल मेट्रिक क्लास की एस की वीडियो चल रही है हमारी उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा वीडियोज़ डालेंगे अल्लाफिस